रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज। विराट कोहली ने अपनी पत्नी शर्मा के साथ मनाया न्यू ईयर। कादर खान अक्सर बोलते थे मौत से घबराने वाले मुद्दों से बदतर होते हैं। अब खबरें विस्तार से। सबसे लंबे बाल रखने का बनाया रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज। गुजरात की नीलांशी पटेल दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। इसके पीछे वजह है कि उनके लंबे बाल, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। नीलांशी पटेल ने 10 साल पहले ऐसा फैसला किया था, आज उसी की वजह से वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि 16 साल की नीलांशी ने दुनिया के किसी TNRG के सबसे लंबे बाल होने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना दिया है। बालों की लंबाई कहें तो 5 फुट 7 इंच बताई जा रही है। Years old and I starting when I was 6 years old. I get my bad haircut and it's really bad for me. I crying and then I decided that I don't cut my hair, and then I growing my hair since my 6 years old. In the week, once a week I wash my hair and it take 1/2 hour to dry and 1 hour to comb my hair. I style it as a long braid and also as a bun on my head, and whenever I going to my occasion or I playing a table tennis, so whenever I playing table tennis, so I burn my hair. My mother helps me to braid and to comb my hair, and she always support me for growing my hair, and due to my mother I growing my hair like this and I set the record. I have 170.5 centimeter long hair, so the people say about that you face so many problems with your hair, but I don't face any problem with my hair. I do all the sports and all the things with my hair, and it's a lucky charm for me, really. My friends call me a real life Rapunzel, and they proud on me that I starting growing my hair and I set a world record. I feel very excited and I feel very happy, and it's a big victory for me to be a world record and to set a world record. I like to growing my hair and it's a hobby for me, and I inspire the world's women that the hair was not a problem, but it is a beauty of woman. I want to keep growing it, but I haven't decided whenever I cut that. विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ मनाया न्यू ईयर। मेलबर्न टेस्ट जीतने के बाद विराट कोहली ने अपनी पत्नी के साथ नए साल का स्वागत एक अलग अंदाज में किया है। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर कर अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी है। ट्विटर पर ट्वीट कर विराट ने लिखा कि सभी को नया साल मुबारक हो, आने वाला साल बहुत शानदार हो, सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले। कादर खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। 31 दिसंबर को कनाडा में उन्होंने 6 बजे शाम आखिरी सांस ली। कादर खान ने ऐसा एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे। अनोखा किरदार निभाने वाले कादर खान और डायरेक्टर इस दुनिया में अलविदा कर दिए हैं। आज भी कादर खान हमारे जनताओं के बीच में मौजूद है। वो अक्सर बोलते थे कि मौत से घबराने वाले मुद्दों से बदतर होते हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS इंडिया आप आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।